जय हिंद साथियों। जितना मेरे सिक्योरिटी भाई हैं, चाहे आप कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल एंड कॉलेज में काम कर रहे हैं, चाहे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे आप प्लांट में काम कर रहे हैं, तो बेसिकली वहां का जो गेट होता है, गेट में क्या क्या काम होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली जहां पर भी अगर आप काम कर रहे हैं वहां पर दो या तीन गेट तो होते ही होते हैं। तो वहां का जो सबसे इंपॉर्टेंट गेट होता है वो होता है मेन गेट। तो मेन गेट में क्या क्या काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेन गेट का, वो होता है पर्सन कंट्रोल। आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग भी काम करते हैं, जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट हो गया, वर्कर डिपार्टमेंट हो गया, अफसर रैंक वाले हो गए। इन लोगों का जो एंट्री और एग्जिट जो होता है वो मेन गेट से ही किया जाता है। इसलिए मेन गेट में अगर आपको ड्यूटी मिला है तो पर्सन कंट्रोल मेन गेट के ऊपर रहता है। नेक्स्ट है व्हीकल कंट्रोल। जितना भी गाड़ी का एंट्री और एग्जिट वो मेन गेट से ही किया जाता है। नेक्स्ट है गेट कंट्रोल। सारा गेट का कंट्रोल जो होता है वो मेन गेट से ही किया जाता है। नेक्स्ट होता है मेटेरियल कंट्रोल। मेटेरियल का भी सारा कंट्रोल जो होता है मेन गेट से ही किया जाता है। अगर आपको मेन गेट में ड्यूटी दिया गया है तो एनी टाइम आपको अलर्ट रहकर ड्यूटी करना है, एनी टाइम आपको एक्टिव रहकर ड्यूटी करना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ ड्यूटी करना है, क्योंकि मेन गेट से ही सारा कुछ एंट्री और एग्जिट किया जाता है। और मेन गेट जो होता है उसको एनी टाइम क्लोज करके ड्यूटी करना है, कभी भी ओपन करके ड्यूटी करना नहीं है और कभी भी इधर उधर भाग कर ड्यूटी करना नहीं है। जैसे कि कई जगह में देखा हूं गेट को खुला छोड़ देते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं, ऐसे भी करना नहीं है। और बेसिकली बड़े बड़े प्लांट में या फिर जहां पर थोड़ा ज्यादा लोग हैं वहां पर मेन गेट में दो या तीन आदमी को तैनात किया जाता है, एक आदमी को दिया नहीं जाता। तो वहां पर आपको गेट को क्लोज करके ड्यूटी करना है और सामने में रहकर ड्यूटी करना है। जैसे कि कोई अगर आदमी आते हैं तो आपको पहले मिले, वो किसी और को ना मिले, क्योंकि सिक्योरिटी जो होता है वो फ्रंट फेस का काम होता है। कोई भी पर्सन अगर आते हैं तो आपको पहले मिलेंगे, इसलिए आपको सबके सामने में यानी कि विजिबल दिखना है, गेट के सामने में आपको दिखना है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि कोई भी पर्सन अगर आते हैं तो पहले गेट में किसको मिलेंगे, आपको मिलेंगे, तो आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई अगर पर्सन आ रहे हैं तो आप उसके साथ चिड़चिड़ा कर बात करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पोलाइटली बात करना है, लोगों को समझाना है क्या काम है क्या नहीं है, उनको प्रॉपरली बात करके समझाना है। ऐसा नहीं कि कोई अगर आ गया तो आप बातचीत कर ले छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, प्रॉपरली बात करके ही छोड़ना है और इन एंड आउट करके ही छोड़ना है। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर मेंटेन। बेसिकली प्लांट या फैक्ट्री में तीन रजिस्टर होते हैं। पहला होता है मेटेरियल रजिस्टर, सेकंड होता है विजिटर रजिस्टर, थर्ड होता है स्टाफ रजिस्टर। ये तो तीन रजिस्टर बेसिकली होते हैं और ज्यादा रजिस्टर भी हो सकता है, चार पांच रजिस्टर भी हो सकते हैं, दो रजिस्टर भी हो सकता है, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप जहां पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो आपको कितना रजिस्टर देंगे। जो कोई भी रजिस्टर आपको दिया गया है उसको प्रॉपरली आपको एंट्री करना है और छोड़ना है। कोई भी गलत एंट्री, कोई भी मिस्टेक एंट्री आपको करना नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक करना है। अगर आपको नहीं पता तो आपका जो सुपीरियर है, आपका जो हायर अथॉरिटी है, उनको पूछिए, उसके बाद कोई भी रजिस्टर को एंट्री कीजिए। नेक्स्ट होता है चेकिंग ऑफ ऑल पर्सन। आपके प्लांट में जो कोई भी पर्सन काम कर रहे हैं उनकी जब एंट्री होती है तो प्रॉपरली उनको चेक करके ही छोड़ना है। किसी भी पर्सन को मतलब प्रॉपरली चेक करके ही छोड़ना है। जैसे कि कई कई सारा पर्सन होते हैं हथियार लेकर अंदर चले जाते हैं, कई सारा पर्सन होते हैं निशा चीज, नशीली चीज, जैसे कि पान हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, शराब हो गया, ये सब लेकर चले जाते हैं। तो ये सबको आपको चेक करके छोड़ना है। कोई भी गलत चीज अंदर एंट्री करना नहीं है, आपको सीज करके मेन गेट में ही रखना है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है। नेक्स्ट होता है आपका व्हीकल मेंटेन। जितना भी गाड़ी आते हैं जाते हैं प्रॉपरली उनको चेक करके ही छोड़ना है, गेट पास देखकर ही छोड़ना है। विदाउट गेट पास के कोई भी गाड़ी को एंट्री या फिर एग्जिट करना नहीं है। मान लीजिए कोई अगर गाड़ी अंदर से बाहर जा रहा है यानी कि आउट हो रहा है,
तो वहां पे आपको गेट पास दिया जाता है। गेट पास में साफ साफ लिखा रहता है वो गाड़ी में क्या क्या मटेरियल जा रहा है, तो उसको प्रॉपरली चेक करके ही आउट करना है। या फिर अगर कोई भी मटेरियल अंदर आ रहा है तो उसको भी प्रॉपरली चेक करके ही छोड़ना है, गेट पास देखकर ही छोड़ना है, याद रखिए। नेक्स्ट होता है आपका एनी टाइम अलर्ट रहना है। जैसे कि कोई अगर अनऑथराइज पर्सन आ गया तो आपके सामने में बोलेंगे मेरे साथ इनका अपॉइंटमेंट है, ये है वो है, तो ऐसे बोलने से आपको किसी को छोड़ना नहीं है, आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन लेना है किसके साथ अपॉइंटमेंट है, उनसे बात कराओ, या फिर आप फोन करके बात करो कि सर इनके साथ आपका क्या कुछ अपॉइंटमेंट है क्या, अगर है तो उनको छोड़ना है, इधर छोड़ना नहीं है। कई बार मैं देखा हूं डायरेक्ट जो मार्केटिंग वाले होते हैं, सेल्स वाले होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, एचआर सर के साथ मेरा मीटिंग है, एमडी सर के साथ मेरा मीटिंग है, तो ऐसे बोलने से आपको किसी को छोड़ना नहीं है, प्रॉपरली इंक्वायरी करना है कि एक्चुअल में जो बंदा आया है वो ठीक बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। फर्स्ट प्रॉपरली आपको इंक्वायरी करना है, इंफॉर्मेशन लेना है, तब जाके उस पर्सन को एंट्री करना है। कोई भी मतलब गलत एंट्री या फिर कोई भी पर्सन को एंट्री करना विदाउट परमिशन में एंट्री करना नहीं है। ऐसे तो देखा जाए तो मेन गेट में बहुत सारा काम होता है, तो हम आपको बताएं मेन गेट का आज बेसिक वर्क, तो इतना ही रहता है बेसिक जो वर्क होता है मेन गेट का। तो आशा करता हूं इस वीडियो में हम जितना भी वर्क के बारे में बताएं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।